सीकर से एक बड़ी खबर आपको बताएं, जहां सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी, उस मामले को लेकर आपको एक बड़ी खबर सीकर से बता रहे हैं। बिसातियान चौक में सामूहिक नमाज अदा हुई है और मृतकों को श्रद्धांजलि देने लोग पहुंचे हैं, क्योंकि एक साथ 7 जनाजे उठे हैं। श्रद्धांजलि के बाद सभी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है और आप भीड़ देख सकते हैं, तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, सभी को एक साथ सुपुर्दे खाक किया गया है। पहले एक साथ नमाज अदा की गई बिसातियान चौक पर, सामूहिक नमाज अदा हुई, मृतकों को श्रद्धांजलि दी हजारों लोगों ने, और उसके बाद सभी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। ये बेहद ही भीषण सड़क हादसा हुआ, दर्दनाक सड़क हादसा था, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मामले पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी, सांत्वना प्रकट की थी, और आप भीड़ देखिए तस्वीरों में, हजारों लोग मौजूद हैं मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए। और बेहद ही दुखदाई ये पल परिवार के लिए, एक ही परिवार के ये 7 लोग, सभी के जनाजे एक साथ उठे, और इसी के चलते सभी लोग एकजुट हुए, एक साथ पहले नमाज अदा की गई, श्रद्धांजलि अर्पित की गई, और ये आप भीड़ देख सकते हैं कि जब सीकर में ये 7 जनाजे उठे तो सभी के जो आंखें थी वो भरी हुई थी। तो बेहद ये दर्दनाक हादसा कल हुआ था, टक्कर के बाद 7 लोगों की मौत हो गई थी, एक ही परिवार के सभी 7 लोग थे। अब श्रद्धांजलि देने के लिए सभी लोग, सहयोगी रमेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़े हुए। रमेश, बेहद ही दर्दनाक ये हादसा था, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई, अब इतनी भीड़ उमड़ी है। बिल्कुल, ऐसा बताना चाहूंगा कि पूरा शहर में आज गमगीन माहौल था, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई है और ये 7 शवों को सपुर्दे खाक किया गया है। काफी गमगीन माहौल रहा, परिजनों के रो रो के बुरे हाल थे, क्योंकि एक हादसा बड़ा हादसा था और कहा जा सकता है कि इस दुखद हादसे में हर किसी की आंख में आंसू थे। शहर के बिसातियान मोहल्ले 7 लोग रहने वाले थे और वहीं से जनाजा उठा और सपुर्दे खाक किए गए। बिल्कुल रमेश, और भीड़ भी देखने को मिल रही है कि लोग गमी के माहौल में लोग वहां पहुंचे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, सामूहिक नमाज पहले अदा की गई। बिल्कुल, देखिए कि ऐसे हादसे होते हैं वो हृदय विदारक हादसे होते हैं। कल डीडवाना के पास ये हादसा हुआ था, देर रात इनके शव का पंचनामा किया गया था और करीब 2 बजे से सीकर शहर में ये 700 शव आए थे। उसी टाइम से लोगों का आना शुरू हुआ था और अभी तक सपुर्दे खाक जब तक किया लोगों ने, उनके अंतिम दर्शन किए हैं। और निश्चित रूप से ये एक बड़ा हादसा था शहर के लिए, जिले के लिए भी बड़ा हादसा था कि एक ही परिवार के लोग 7 लोग चले गए, 2 जने अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूठ रहे हैं। बिल्कुल रमेश, आपने बिल्कुल सही कहा, बेहद ही हृदय विदारक ये घटना थी, सभी ने इसमें, सभी के आंखों में आंसू थे। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये 7 लोगों की मौत का मामला था, एक ही परिवार के 7 लोग थे, आज सभी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। और आप भीड़ देखिए, सीकर शहर के लोग इकट्ठा हुए वहाँ पर, सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद सुपुर्दे खाक उन्हें कर दिया।